फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियंका काका। आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेज सब्जी। ओके, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करो, तभी आपके पास नए नए रेसिपी के मेरे वीडियो आएंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो। ये है सुवेर, वो बोलते हैं ना उसको, वो अभी जो मिलती है ना सीआरआई में, मतलब जो ठंडे के मौसम में जो फ्रेश आती है वही है, उसको हमने बॉइल करके रखा है। ये है टमाटर, ये है आलू, और ये है बैंगन, और ये है प्याज, और ये है मिर्ची, हरी मिर्ची, और ये है लहसुन ना, ये है लहसुन। ओके, अब हम सब्जी बनाने जा रहे मिक्स वेज। ये आप मिक्स वेज ये सब्जी खाओ और अपने घर भी बनाओ। ओके, ये बहुत अच्छी लगती है टेस्ट में। ओके, ये हमने 4 to 5 टेबलस्पून तेल डाल दिया है। ओके फ्रेंड्स, ये हम जीरा डाल रहे हैं। ओके, ये हमने जीरा डाल दिया है, ये अभी चटक गया है। अभी हम इसके अंदर डालेंगे ये मिर्ची, हरी मिर्ची है ये, एक चमची। ओके, और ये है हम लहसुन की पेस्ट डाल रहे हैं। ओके, अभी हमको इसे हिलाना है। अभी ये बस इसको थोड़ा ही हमें हिलाते रहना है, थोड़ा सेकना है। ये हम हींग डाल रहे हैं, ये एक चमची हींग डाली है हमने, और ये प्याज डाल रहे हैं हम। ओके, देखो हम ये मिर्च डाल रहे हैं एक, और ये आधी स्पून हम हल्दी डाल रहे हैं। ये गरम मसाला है, धनिया पाउडर है, ये गरम मसाला है, ये नमक है एक स्पून। अभी हमें इसे हलाते रहना है। ये हमने ऐड कर दिया है तुवेर के दाने, और ये हम ऐड कर रहे हैं बैंगन। ये छोटा वाला बैंगन है, वो भट्टा बैंगन बोलते हैं ना, वो वाला बैंगन है। अब ये हम इसके अंदर डालेंगे ये पोटैटो, ये है आलू। अभी हमें इसको अच्छे से हलाना है। देखो फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये है एक कप पानी हमने ऐड कर दिया है। ओके, अभी हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में हलाते रहेंगे। देखो फ्रेंड्स, ये हमारा सब्जी थोड़ा बहुत पक चुका है। ओके, ऐसे करके आप देख लो, फिर आपको पता चलेगा कि ये पक चुका है कि नहीं। अभी थोड़ी देर है इसे पकने में। ओके फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स, ये हमारा सब्जी हो गया है। अब इसके हम टमाटर डाल देंगे, ये गार्निश कर देंगे। देखो फ्रेंड्स, ये हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर गार्निश कर देंगे ये है धनिया से। ओके, आप भी ये अपनी ये सब्जी मिक्स वेज अपने घर बनाओ, नई रेसिपी है, और सबको खिलाओ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना।